स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स इज 3 इयर्स एगो एंड 5 इयर्स फ्रॉम नाउ इज 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। रहमान की प्रेजेंट एज पूछ रहा है और कंडीशन क्या दे रहा है, 3 इयर्स एगो एज का रेसिप्रोकल और 5 इयर्स आफ्टर 5 इयर्स एज का रेसिप्रोकल का सम 1/3। चलिए एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, या आप ये भी लिख सकते हैं लेट द रहमान प्रेजेंट एज, वो तो आप तो पर डिपेंड करते हैं, बी एक्स ईयर्स यूनिट जरूरी, तो क्या पूछ रहा है, रुपया है यार, क्या है एज ईयर्स में, प्रेजेंट एज एक्स हो गई मतलब आज की एज उसकी एक्स हो गई, तो 3 साल पहले तो छोटा रहा होगा ना, तो क्या हो जाएगा, जितनी एज आज की है उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, करेक्ट है ना। तो रहमान्स एज आफ्टर बिफोर 3 इयर्स, रहमान्स एज बिफोर 3 इयर्स, पता चल गया कितनी होगी, आज प्रेजेंट एक्स है तो उसमें से 3 सब्जेक्ट लिया इतना या आज है। रहमान्स एज आफ्टर कितने इयर्स, 5 इयर्स, ये भी पता चल गई होगी, क्या होगा पक्का है ना, जैसे आज आप मान लीजिए 15 इयर्स के हैं तो 5 साल बाद आप 20 इयर्स के हो जाएंगे, तो 20 कैसे आया, 15 में 5 ऐड करने से, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें मत जोड़ देना, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज एक्स है और उसमें 5 जोड़ दिया तो ये हो गई रहमान की 5 इयर्स, ये बात की है। ओके, किसी को डाउट है इसमें, कोई डाउट नहीं, एकदम क्लियर पिक्चर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इनकी एज के रेसिप्रोकल का सम, तो इसका रेसिप्रोकल तो समझ में आ गया होगा, क्या हो जाएगा, वेरी गुड, 1/(x-3), इनकी एज का रेसिप्रोकल का सम ऐड लिखा प्लस कर दिया x+5, और दोनों का सम कह रहे रिजल्ट मिलेगा 1/3, रिजल्ट मिलेगा, उसने बताया ऐसा करोगे तो ये रिजल्ट मिलेगा, हमने ऐसा किया और रिजल्ट मिल गया। सबकी समझ में बात आ रही है, नहीं आ रही है, अच्छा यहाँ पर बच्चों को कभी हम पूछे थे थोड़ा सा एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पर सीखते चलिएगा ध्यान से, समझ में आना चाहिए कि इसका अगर दोनों डिफरेंट है, कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन का मतलब अगर यहाँ 5 लिखा होता तो कॉमन ना होता, पूरा का पूरा ऐसा नहीं ना, दोनों डिफरेंट है ना, जो दोनों अलग अलग रहेंगे तो सीधा मल्टीप्लाई होता है, दिस इंटू दिस, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, क्यों लिखेंगे, और मल्टीप्लाई का मतलब x-3 एक ब्रैकेट में दूसरे में x+5, आपको कोई दिक्कत तो नहीं इसको समझने में, अब न्यूमरेटर समझ में आ गया होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करो इसका इससे करो, लेकिन ऐसा तभी करना जब दोनों डिफरेंट होगी, इज इट क्लियर, कंफर्म, यहां पे क्या होगा x+5, अब यहां ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहां प्लस है कोई दिक्कत नहीं, अगर माइनस होता तो जरूर ब्रैकेट लगाते, तो यहां पहुंच जाएगा इंटू, सॉरी इसको प्लस करने के बाद इसको इंटू करेंगे वन से क्या आ जाएगा x-3 = 1/3। सबकी समझ में आ रहे हैं, एकदम पिक्चर क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। न्यूमरेटर में सुहानी बताया कि क्या होगा, चलिए श्रेय आप बोलो बेटा कितना होगा, 2x+2। अभी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, तो मल्टीप्लाई इसका एक तो फार्मूला होता है, अगर आप लोग जानते हो सीधा किया करो यार, x+a (x+b)
मल्टीप्लाई आसान होगा, जल्दी होगा, एक्स स्क्वायर फिर ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी इंटू एच, ठीक है ना, दोनों का सम और प्लस ए इंटू बी, ये जानते हैं कि नहीं जानते? अब उसी से देखो लगाते हैं एक्स स्क्वायर, ओके, अब ये दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा, ऐड करेंगे तो प्लस टू एक्स आएगा, देखो ना माइनस थ्री प्लस फाइव माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स और माइनस थ्री इंटू फाइव माइनस फिफ्टीन, समझ में बात आ गई कि नहीं? आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कर जाए डायरेक्ट लगा देंगे तो वन बाई थ्री डिसिम्बलाइज। अब तो समझ समझ में आ गया होगा, हम आ गया होगा हमको क्या करना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। कई बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कब होता नहीं जान पाते, जरा समझ लो भाई, एक्स यहां पे लिखा है वन बाई एक्स प्लस फाइव इक्वल टू वन बाई एक्स प्लस वन, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं, अभी नहीं, डायरेक्ट इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, कर सकते हैं नहीं कर सकते, रीजन क्या है, हमने लिख दिया वन बाई एक्स वन प्लस एक्स अपान एक्स इक्वल टू वन अपान एक्स प्लस वन, ठीक है ना, अब बताओ हम कर सकते हैं कि डायरेक्ट कर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की नहीं, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रैक्शन है और इधर भी एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के इक्वल टू फ्रैक्शन होगी तो आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट होगा, यहाँ पर एक फ्रैक्शन ये है और एक फ्रैक्शन अलग हो गई है, जब दोनों को एक बना देंगे एलसीएम लेकर के तब आप कर सकते हैं, क्लियर हुआ ना, यहाँ डायरेक्ट नहीं कर सकते लेकिन इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं, पिक्चर क्लियर हो रही है, इसको मिटा दिया, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, अपने आप स्टेप समझ में आ रहे थे हमको करना क्या आ जाना चाहिए, तो इसको हम करेंगे, कौन बताएंगे बेटा आप, पंत जी बोलिए, अच्छा इसको करने से अच्छा हुआ पहले इस इधर वाला कर लिया करो, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना, क्योंकि स्क्वायर इधर मिलेगा तो ट्रांसफर करने में आसानी रहेगी, निगेटिव नहीं आएगा, ठीक है, इसको पहले कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, पहले इसको करेंगे क्या हो जाएगा, पंत जी बोलिए जी, यस इक्वल टू सिक्स एक्स, हाँ कितना सिक्स, वेरी गुड, समझ बात सबको आ गई होगी, एकदम पीछे क्लियर चल रही है, बहुत बढ़िया, चलिए आप बताइए अगला स्टेप करूँ क्या, अगला स्टेप क्या करूँ बेटे, क्या लिखो ये लिखिए, बहुत बढ़िया, ये समझ गए कि अब हमको काम क्या करना है, हमको उधर की चीजें इधर ट्रांसफर करके लानी है, तो हम डायरेक्ट सबट्रैक्ट कैलकुलेशन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर तो रहेगा लाइक टर्म्स, ये है और ये है, कितना हो जाएगा लेफ्ट साइड में आगे माइनस फोर एक्स, यही चीज आपको अपने आप माइंड में चलना चाहिए सब चीजें, हाँ जी आगे बताइए क्या होगा, ये आएगा माइनस सिक्स हो जाएगा माइनस फिफ्टीन और माइनस सिक्स, वानी को बता दो कितना हुआ माइनस माइनस नाइन, बहुत बढ़िया, आप बता दो बेटा कितना हुआ, अरे यार माइनस फिफ्टीन और माइनस सिक्स इधर आएगा तो माइनस सिक्स हुआ ना, कितना हुआ माइनस ट्वेंटी वन, इतना बेहोश रहोगे भाई, दोनों नेगेटिव में है, दोनों नेगेटिव ऐड होगा क्योंकि सेम साइन है, सेम साइन पे ऐड होगा लेकिन साइन माइनस का रहेगा, एक प्लस एक माइनस होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन साइन उसका होगा जो क्वांटिटी बड़ी होगी उसका साइन लिखा जाएगा, ओके चलिए चलिए बहुत। अब आपके पास कई मेथड है, फैक्टराइजेशन भी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है और कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कौन सा लगाना पसंद करेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा लगाएं, बीच फैक्टराइजेशन लगा दो, फैक्टराइजेशन लगाता हूँ, इसको स्टेप को यहाँ लाता हूँ, ध्यान से देखना, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब स्प्लिट कैसे करेंगे 21 के दो फैक्टर, सेवन थ्री जा 21 और हमको डिफरेंस लाना है, सेवन माइनस थ्री फोर मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि सेवन को नेगेटिव रखना है और थ्री को पॉजिटिव रखना है, ये बात क्लियर है, क्या हो जाएगा माइनस सेवन एक्स और प्लस थ्री एक्स माइनस 21 इक्वल टू जीरो, जहाँ फैक्टर से काम चले
स्पीड से काम चले वहां पर लगा लेना चाहिए, होता जल्दी से सोल्यूशन मिल जाएगा। दिस इंप्लाइज जी इसमें क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा, क्या मिलेगा x माइनस सेवन, यहाँ क्या कॉमन होगा 3 कॉमन होगा x माइनस सेवन। अब दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आ जाए तो समझ लेना का आपका लेना कि आपका स्टेप सही है। दिस इंप्लाइज आपकी क्या कॉमन होगा x माइनस सेवन, क्या बचेगा x प्लस प्लस थ्री, और इस तरीके से रिजल्ट आपको मिला x इक्वल टू या तो सेवन या फिर माइनस थ्री, इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो। अब यहां पर जो कि वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम में एक्स को हमने माना है रहमान की एज, तो रहमान की एज माइनस थ्री एस तो हो ही नहीं सकती, तो जब नहीं हो सकती तो यहां लिखेंगे रिजेक्टेड, रिजेक्टेड या नॉट पॉसिबल, ये वाली वैल्यू नॉट पॉसिबल और ये वाली वैल्यू करेक्ट हो गई। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, सो रहमान प्रेजेंट एज, रहमान्स प्रेजेंट एज इक्वल टू सेवन इयर्स। ओके, सब लोग समझ गए हैं कि कुछ लोग समझ गए हैं, सब पक्का श्योर है, तो वीडियो बंद कर दिया जाए। क्वेश्चन फिफ्थ फ्रॉम एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन इज इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सैफोलीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स। पिक्चर क्लियर, कि सैफाली के मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मार्क्स का सम 30 है, तो यहां पर क्वेश्चन समझ में आ गया हमको क्या यूज करना है। लेट सैफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी एक्स, एक एज्यूम कर लो। ओके, एक एज्यूम कर लिए, अब मैथमेटिक्स में एज्यूम किया और टोटल सम 30 है तो इंग्लिश के मार्क्स पता चल गए क्वेश्चन के इसके अकॉर्डिंग, तो सैफालीज मार्क्स इन इंग्लिश कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, विल बी 30 माइनस एक्स, कितना होगा। ओके ना, पक्का हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के नंबर पता चलते हैं। लेकिन अब कंडीशन कह रहा है कि अगर मैथमेटिक्स के मार्क्स 2 ज्यादा होते, अभी तो मान लिया x है, अब 2 ज्यादा हो जाता, कितना 2 ज्यादा हो जाता, x प्लस 2 हो जाता, ठीक है, 2 मोर मार्क्स इन इंग्लिश सॉरी मैथमेटिक्स मैट्रिक्स तो इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 2 और 3 लेस मार्क्स इन इंग्लिश कितना हो जाएगा 30 माइनस x माइनस 3। समझ में कम आई बात, पिक्चर क्लियर, तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 27 माइनस x, एकदम पिक्चर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ये जो 2 मोर मार्क्स हैं और 3 लेस मार्क्स का प्रोडक्ट दिया गया है, इन दोनों का प्रोडक्ट, ध्यान से समझिएगा, इसका और इसका प्रोडक्ट 210 है, तो चलिए पहले लिखते हैं प्रोडक्ट का मतलब x प्लस 2 और दूसरा इनटू 27 माइनस x इक्वल टू 210 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब ध्यान से, हम इनटू बोलते हैं लिखते नहीं है, अरे भाई ब्रैकेट है इट मींस इनटू है, लिखा नहीं जाता, एकदम पिक्चर क्लियर, बहुत दिस। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो सॉल्व नहीं हो पाएगा,
तो चलिए x इंटू 27 27x माइनस x स्क्वायर प्लस 54 और माइनस 2x 210 को भी समय ट्रांसफर कर लिया लो इक्वल टू जीरो। समझ में बात आ गई? यस सर। अगला स्टेप कौन बोलेगा सर? बोलो हाथ उठाओ पहले, कौन बोलेगा? हाँ बोलिए आप सर। माइनस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। 27x प्लस माइनस 2x हो जाएगा 25x प्लस 25x प्लस 25x। वेरी गुड। यही चीज आपके समझ में अपने आप आना चाहिए और इनके समझ में भी आ गया कि हम स्क्वायर वाला पहले लिखेंगे। यही सब चीजें आपको एकदम पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब कितना होगा सर? ये दोनों बचे माइनस 156। जो भी बता रहे हैं एकदम करेक्ट बता रहे हैं। क्या नाम तुम्हारा? शाश्वत। एकदम करेक्ट बता रहे हैं। ठीक है शाश्वत, के कितने मार्क्स आए थे बोल तो दो, रिकॉर्ड हो जाए। चलिए कोई बात नहीं, बस 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 आगे चलते हैं। अभी देखो एक चीज देखते हैं कौन समझ पाता है, किससे नहीं पूछते बार बार। अग्रिम बताएंगे अगले स्टेप क्या लिखना चाहिए। इन्होंने कर दिया और आपने भी सही बता दिया। देखो पहले अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या कि मैं सर मेरा गलत हो जाएगा क्या? गलत तो नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव रखो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते। एकदम सही, एकदम सही उन्होंने बताया। अब आप यार कई क्वेश्चन लगा चुके हैं किससे? फैक्टराइजेशन से। अब एक आध बीच में हो जाना चाहिए किससे? क्वाड्रेटिक फार्मूला से हो जाना चाहिए। ठीक है ना, तब इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से, क्योंकि आप भूल ना जाओगे तो कंपेयर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए की वैल्यू पंत जी बोलिए क्या है? सुहानी बी की वैल्यू बोलो 25। बहुत बढ़िया, इनका आंसर ऐसे ही आता है। अरे माइनस 25। अरे वैसे मतलब मैथमेटिक्स आ रहे नहीं चलता। हाँ जी आप बोलो बेटा। सी की वैल्यू 156। मैथमेटिक्स में अरे से तो दुर्घटना हो जाती है ना। हाँ जी अब एबीसी की वैल्यू मिल गई। साहब तुम्हारा क्या नाम है? अभिषेक जी बोलिए क्या करूं? पता नहीं। अरे बोलो क्या लिखूं? हाँ तो इसे बोलो कि सर पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। क्या लिखूं सर? बी स्क्वायर माइनस 4ac। एकदम सही, एकदम सही। याद है तुमको करना क्या है? ठीक है ना, आगे क्या करूं बोलो? वैल्यू पुट किया जाए, बोलते चलो। बी का सर माइनस 25। ठीक है ना, ठीक लिखा हूँ? माइनस 4 इंटू इंटू पूरा बोला करो। मैं सही लिखा हूँ? सही लिखा हूँ? सही। कितने लोग कह रहे हैं सही लिखा हूँ? हाथ उठाओ। ये गलत तरीके से लिखा गया है, आप सही समझो तो हम क्या करें? ये तो माइनस के ऊपर तो है ही नहीं स्क्वायर, ये गलत लिखा गया। यहाँ पर होना चाहिए ब्रैकेट का नहीं सही आंसर सही। अरे नंबर ना देखो, लिखने का तरीका भी देखो, वो गलत लिखा था, सही नहीं था, वो केवल 25 पे स्क्वायर था। ये हुआ 625 और माइनस 4×6=24, 4×5=20, 2×22। चलो देखो हमने सही लिखा, मल्टीप्लाई हमारा सही है। तो नकल करते रहना ठीक है ना, अपने आप मत लगा, हमारे भरोसे रहना सही है। तो आई जब 1 डी मिल गया, फटाफट कैलकुलेशन किया करो, आगे बढ़ा जाए कि अभी थोड़ा सा थोड़ी देर रुका जाए? चलिए थोड़ा सा रुकिए, रुक जाइए एक। ओके स्टार्ट। देखो बेटे अब थोड़ा सा इधर स्पेस नहीं है तो हम लेफ्ट साइड आएंगे। अब हम डी तो कैलकुलेट कर चुके, अब हमको चाहिए एक्स की वैल्यू। तो एक्स का फार्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी, सबको याद है? एक बार जोर से बोल दो। जो आपने बोला वही मैंने लिखा। यस सर। वैल्यू पुट कर दिया, पुट कर दिया जाए। कौन बोलेगा? किससे नहीं पूछते हैं भैया? सर मुझसे। एक मिनट पूरा बोलो। 25 इन्होंने
माइनस बी कहा गया माइनस ए बी ए, इन्होंने कहा 25, बिल्कुल सही कहा क्योंकि माइनस इनटू माइनस डायरेक्ट इन्होंने 25 कहा। अब कुछ चीजें अंडरस्टूड है, प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2, ए की वैल्यू तो 1 है ठीक है। अब आपको यहां पर मिल जाएगा नेक्स्ट स्टेप, आप बताओ क्या लिखो, 25 प्लस माइनस दोनों एक बार लिख तो लो यार, तब आगे बढ़ना केस वाइज। और फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे 25 प्लस 1 बाई 2 ठीक है, और ये हो जाएगा 26 बाई 2 और ये मिल जाएगा 13, एक एक्स की वैल्यू 13 आ गई। दूसरे एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो 25 माइनस 1 बाई 2 24 बाई 2 और आपको मिल गई 12। अब ध्यान से देखो दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं तो इसका मतलब ये भी सही है और ये भी से रिजेक्ट करना नहीं है कि सर हर बार रिजेक्ट करते थे इधर भी करते, भाई दोनों पॉजिटिव हम क्यों रिजेक्ट करें, दोनों पॉसिबल हैं तो दोनों पॉसिबल हैं। ये तो हमारे किसके नंबर आए हैं, ये तो हमारे मैथमेटिक्स के नंबर आए हैं और हमसे कहा कि दोनों के नंबर बताओ, तो हमारे दो नंबर इंग्लिश के भी आए हैं तो हम आंसर क्या लिखेंगे, वीडियो में आ रहा नहीं आएगा ना, हाँ बिल्कुल ये हम खींच के ले आएंगे इधर आप ठीक है ना, यहाँ खींच के ले आएंगे और यहाँ सॉल्व करेंगे ठीक है ना। अब यहाँ पे आंसर लिखेंगे, x की वैल्यू आ गई, इफ x इक्वल टू 13 लिया ये वाला नंबर ठीक है ना, ये नंबर लिया तो मार्क्स इन इंग्लिश वाली मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स इक्वल टू 13 हुआ x के बराबर, मार्क्स इन इंग्लिश कितना हो जाएगा 30 माइनस 13 कितना आएगा, कितना आएगा बेटा, हाजी 17। तो ये एक आंसर ये हुआ दोनों मिलकर के 13 और 17 और इनका सम देख लो 30 आएगा ओके। और दूसरा केस क्या हुआ, ये तो पहला था, अब दूसरा केस में क्या होगा, इफ x इक्वल टू 12 वहां से ये नंबर लिया ठीक है ये वाला, तो क्या हो जाएगा मार्क्स इन मैथमेटिक्स इक्वल टू 12 मार्क्स इन इंग्लिश कितना जाएगा 18 सॉरी करेक्ट है ना। अब देख लो दोनों का, तो ये एक आंसर ये हुआ और एक दोनों आंसर सही है, इस क्वेश्चन में दो दो आंसर पॉसिबल हैं, इज इट क्लियर ठीक है ओके चलिए।